अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में पूरे दिन शरीर का फिट और एक्टिव होना बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है, शुरुआत किस चीज़ के साथ करनी चाहिए? वैसे तो अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफ़ी के साथ करते हैं, लेकिन आप चाहे तो गर्म पानी में नींबू के कुछ बूंदे डालकर इस हेल्दी ड्रिंक को अपना लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकते हैं। इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं कि आपको चाय कॉफ़ी से दूरी बनाने पर भी मजबूर कर देंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो में आगे क्या जानने वाले हैं, इसके छोटा सा ओवरव्यू हम देख लेते हैं। नंबर एक, सबसे पहले हम नींबू पानी पीने के फायदे के बारे में बात करेंगे। किन किन बीमारियों से दूर रहेंगे अगर आप रोज नींबू पानी पीते हैं तो। नंबर दो, नींबू पानी में नींबू कितना होना चाहिए? एक नींबू या आधा नींबू या फिर कितना? नंबर तीन, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना नींबू का सेवन कर सकते हैं? नंबर चार, नींबू पानी कब पीना है? सुबह पीना है या शाम को खाना खाने के बाद में पीना है या फिर खाने से पहले या फिर दिन में किसी भी टाइम पीना है, ये हम जानेंगे। नंबर पाँच, नींबू पानी में क्या ऐड करें जिससे इसका स्वाद और फायदे दोनों बढ़ जाए। नंबर छः, नींबू पानी में पानी गर्म होना चाहिए या फिर ठंडा होना चाहिए या फिर नॉर्मल सादा पानी होना चाहिए। नंबर सात, क्या नींबू पानी पीने से नुकसान होता है? किन किन लोगों को यह नुकसान करता है और क्या नुकसान करता है? दोस्तों, नींबू पानी से जुड़े ये सात चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नींबू पानी में नींबू कितना होना चाहिए? एक नींबू या आधा नींबू या फिर कितना? ये डिपेंड करता है आप कितना पानी पी रहे हैं इसके ऊपर। अगर आप एक गिलास पानी पीते हैं तो आधा नींबू निचोड़ लें। अगर आप दो गिलास पानी पीते हैं तो एक पूरा नींबू लेना है। एक दिन में कितना नींबू का सेवन आप कर सकते हैं? बेंगलुरु के दो न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अंजु सूद और डॉक्टर रूपाली दत्ता, इन दोनों डॉक्टरों का कहना है हम एक दिन में दो नींबू का सेवन कर सकते हैं। दो नींबू पर्याप्त है हमारी बॉडी को प्रॉपर हेल्दी और हाइड्रेटेड रखने के लिए। लेकिन दोस्तों, दो नींबू एक साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए, एक बार में एक ही खाएं। कैसे खाना है? या तो आप कुछ खाने में मिलाकर खाएं, जैसे कि सलाद, दाल, चावल के साथ, या तो पानी में मिलाकर पीजिए। वैसे भी नींबू को आप साबुत नहीं खा सकते। क्या आपने कभी ट्राई किया है? कॉमेंट में जरूर बताइएगा। नींबू पानी में क्या ऐड करें जिससे इसका स्वाद और फायदे दोनों बढ़ जाए? नींबू पानी के साथ अगर आप हनी यानी शहद मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो आपको डबल फायदे और स्वाद मिल जाते हैं। नींबू पानी में पानी गर्म होना चाहिए या फिर ठंडा होना चाहिए या फिर नॉर्मल सादा पानी होना चाहिए? जब भी आप नींबू पानी बनाएं, हमेशा या तो नॉर्मल सादा पानी हो या फिर हल्का गर्म पानी होना चाहिए। बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखें। नींबू पानी कब और कैसे पीना है? एक गिलास हल्का गुनगुना पानी में आधा नींबू निचोड़ लें और रोज सुबह खाली पेट बिना ब्रश के इसका सेवन करें। वैसे तो नींबू पानी को आप कभी भी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने से आधा घंटा पहले या फिर सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से इसका भरपूर फायदे आपको मिलता है। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं इसके फायदे के बारे में, क्या क्या फायदा करता है अगर आप रोज नींबू पानी पीते हैं तो। नंबर एक, पाचन में मददगार। अगर आपको इनडाइजेशन की समस्या है यानी खाना ठीक से नहीं पचता है, गैस बनता है, तो आपको खाना खाने के 10 से 15 मिनट पहले एक कप गुनगुना नींबू पानी सिप सिप करके जरूर पीना चाहिए। इससे क्या होता है, पेट में पाचक रस बनता है। अगर आपके पेट में पाचक रस सही से नहीं बनता है तो जब भी आप खाना खाएंगे तो आपको अपचन, गैस की समस्या होंगे। इसके लिए नींबू पानी का सेवन सबसे अच्छा है। नंबर दो, विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। जैसे कि आपको पता है, रोगों से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी अच्छा होना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी युक्त भोजन का जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, हमारे बॉडी को एक दिन में जितना विटामिन सी की जरूरत होता है उसका 20% हमें सिर्फ एक नींबू खाने से मिल जाते हैं। एक नींबू में 18 मिलीग्राम विटामिन सी होता है और हमें एक दिन में कम से कम 60 से 90 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए होता है। नंबर थ्री, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए नींबू में मौजूद विटामिन सी, पोटेशियम और फोलेट की उच्च मात्रा आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देगी और आपके शरीर को स्वस्थ रखेगी। रोज एक गिलास गुनगुना नींबू पानी पीने से सर्दी, जुकाम या साइनस की समस्या नहीं होगी। इनमें होता है फाइटोन्यूट्रिएंट जो फंगस, बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। नंबर चार, वजन घटाने में मदद करता है। वजन कम करने के लिए खाली पेट नींबू पानी का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और फैट बर्न करता है, जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। नंबर पाँच, खूबसूरत स्किन। नींबू में होता है विटामिन सी और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। नियमित रूप से गुनगुना नींबू पानी पीने से आपकी त्वचा में निखार आएगा। खाली पेट नींबू पानी का सेवन करने से बॉडी डिटॉक्स होता है, यानी शरीर में जमा गंदगी बाहर निकल जाते हैं। इससे आपके चेहरे पर जो पिंपल्स, दाग धब्बे हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आपके चेहरा खूबसूरत और ग्लो करने लगेगा।
नंबर 6, कब्ज से राहत। सुबह खाली पेट नींबू पानी का सेवन करने से पेट अच्छे से साफ होते हैं, इसलिए जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहते हैं उन्हें रोज सुबह एक गिलास गुनगुना नींबू पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर 7, पथरी होने से रोकता है। प्रतिदिन नींबू पानी का सेवन करने से पथरी बनने की संभावना कम हो सकते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार नींबू का रस एसिडिक नेचर का होता है और इनमें साइट्रेट की मात्रा अधिक होती है। साइट्रेट कैल्शियम क्रिस्टल को बनाने से रोकता है, जिसे गुर्दे की पथरी नहीं बनती है। नंबर 8, मुंह की बदबू को करे दूर। नींबू एक नेचुरल माउथ फ्रेशनर है। रोज सुबह नींबू पानी पीने से मुंह की दुर्गंध धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं नींबू पानी पीने के नुकसान के बारे में। दोस्तों कोई भी चीज का ज्यादा सेवन नुकसानदायक होता है, वैसे नींबू पानी के साथ भी होते हैं। अगर आप एक दिन में 5 से 6 बार नींबू पानी पीते हैं तो नुकसान तो होगा ही। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 बार नींबू पानी का सेवन करना सही है। किन किन लोगों को इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या फिर सोच समझ कर करना चाहिए, अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक्सपर्ट के मुताबिक नींबू में साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं जो दांतों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए नींबू पानी सीधा पीने की बजाय स्ट्रॉ से ही पिए। अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है तो नींबू पानी पीने के बाद सादे पानी से कुल्ला जरूर कर लें। एसिडिटी, एसिडिटी की समस्या वाले लोगों को नींबू पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि नींबू पानी एसिडिक होता है। इसके नियमित सेवन से एसिडिटी, हार्ट बर्न जैसे प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। दांतों में झंझनाहट, जिन लोगों को दांतों में झंझनाहट होते हैं उन लोगों को नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि नींबू में सिट्रस एसिड होते हैं, जिसका दांतों में ज्यादा संपर्क होने से दांत संवेदनशील हो जाते हैं। अगर आपको नींबू पानी पीना भी है तो उसे हमेशा स्ट्रॉ से ही पिए, जिससे पानी दांतों को ना छुए। पेट में अल्सर, अगर किसी व्यक्ति को पेट में अल्सर है तो उसे भी नींबू पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि नींबू पानी में पाए जाने वाले एसिडिक गुण पेप्टिक अल्सर को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही दर्द और जलन की समस्या को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ये जानकारी अच्छे लगे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।